तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त चीज। तो भाई जो जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाने वाला था वो है ये। न्यू एक्टिवा एच स्मार्ट जो कि अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर के साथ है, जो है स्मार्ट की के साथ, जिसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, अभी पॉकेट से निकाल लेता हूँ। जो स्मार्ट की है वो इसकी ये वाली की है। एक सेकंड, इस साइड फोकस नहीं हो पा रहा। हाँ, तो स्मार्ट की इसकी ये वाली है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं इसको। मेन जो चेंज है इसके अंदर वो है सिर्फ स्मार्ट की का, बाकी लगभग वैसी ही है जैसी 6G थी। तो अभी आप लोगों को मैं डिटेल रिव्यू करवाता हूँ होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट का। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस की से। ये फिलहाल लॉक नहीं है, ओपन थी, अभी ये होगी लॉक। अब इसका स्टेयरिंग भी लॉक हो गया और अभी हम इसको पुश करके ऐसे टर्न करेंगे तो अभी हैंडल इसका अनलॉक हो गया और इसको ये इस साइड कर दिया तो अभी सीट ओपन हो जाएगी। ऐसे बटन दबाया और ये ओपन हो गई। तो अभी इसके साथ ही फ्यूल लीड ओपन करने का ये कर दिया और ये यहाँ से ओपन हो गया भाई। तो अभी इसके कुछ और फीचर बताता हूँ आप लोगों को। भाई इसके ना आगे वाले टायर में और पीछे वाले टायर में फ़र्क है, 2 इंच का फ़र्क बता रहे थे कंपनी वाले, बाकी ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता। और बाकी लगभग सेम वैसी ही है ये। और इसमें कि ये बटन दे दिया स्टार्ट स्टॉप का, ये भी खैर 6G वाला ही है और ये भी सेम ही है। और मीटर कंसोल में भी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी लगभग सारा का सारा सेम है। बट अभी न्यू एच स्मार्ट के नाम से लॉन्च कर दी इन्होंने। और इसमें एक मेजर चेंज है जो कि ये है, किक नहीं है इसके अंदर, किक निकाल दी गई है भाई। तो अभी अगर आपकी स्कूटी बंद हो जाए बैटरी ख़राब होने की वजह से तो आपको धक्के मार के ही लेके जानी पड़ेगी ये। भाई इसका जो साइलेंट स्टार्ट होने वाला फीचर है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी देखना मैं स्टार्ट करूँगा इसको। ये हमने देखो अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी, सेल्फ की तो आवाज़ ही नहीं है। ये बड़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई इसकी, जो मेरे को बहुत पसंद है। ये जो मीटर कंसोल है ना अभी तक इसमें डिजिटल नहीं आया है, सुजुकी एक्सेस में तो डिजिटल आ गया है। बस ये और चेंज कर देते ना तो थोड़ा सा डिजिटल हो जाती ये भी। इसमें हेडलैम्प भी इसका 6G वाला ही है जो कि वाइट कलर में है, सॉरी वाइट कलर की लाइट है इसके अंदर। HID ये पता नहीं क्या है बट वाइट कलर जो ऑन ही रहेगी, ऑफ नहीं होगी कभी भी। बाकी ओवरऑल अच्छी है, अभी ड्राइव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव है ये। और पिकअप बहुत ही बढ़िया है इसकी, बहुत ही शानदार पिकअप है, गजब चलती है भाई। तो मेन बात ये है कि ये सबसे पहली स्कूटी थी हमारे सिटी की जो कि मैंने ली है। तो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी कि सबसे पहली स्कूटी सिर्फ मैंने ली है, तो इस पे लगवाएंगे वो वाला नंबर जो अपनी ऑल्टो पे था। तो भाई ये थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो, जो कि मैंने स्कूटी ली थी वो आप लोगों को दिखाना था। इसमें कुछ नया फीचर है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि नई वीडियो आए तो आप लोगों को पता चले।